17 लोग जो मेरे साथ आए हैं कैंसर से मर गए जी। 17 लोग जो आपके साथ आए थे वो मर चुके हैं। सारे रिपोर्ट सामान्य आए हैं, आपके रक्त कण की संख्या बढ़ गया करके उन्होंने बताया। कैंसर से ठीक हुआ जी। यीशु ने मुझे कैंसर से छुटकारा दिया। कैंसर है ही नहीं करके बताए। मुझे कैंसर है करके बताया, डॉक्टर ने कहा कि मैं मर जाऊंगा। पेट में गांठ नहीं है करके बताया ना। हालेलुया। मुझे गुर्दे का समस्या था पास्टर जी, प्रार्थना तेल का उपयोग करने के बाद उससे मुझे छुटकारा मिला। मेरे दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं, डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए सब कुछ तैयार किया, लेकिन यीशु ने मुझे नए गुर्दे दिए। मेरे लिवर का समस्या सामान्य आया जी। लिवर की समस्या थी, संपूर्ण रीति से चंगाई हुआ। लिवर पूरी तरह से ठीक होकर सही आकार में है। हृदय में पानी कम हो गया, हृदय बढ़ने का समस्या भी कम होकर सामान्य रिपोर्ट आया जी। आपके हृदय के तीनों ब्लॉक्स कब गए? पिछले बार मैं अस्पताल को गया था पास्टर जी, उन्होंने सारे जांच करवाए और एंजियोग्रामी करवाए, कुछ भी नहीं है, सब ठीक है करके बताया है। जहाँ पे पछली नहीं था, अभी आके उस स्थान में पहुँच गए करके डॉक्टरों ने बताए। मेरा बेटे को चलना फिरना सिखाया, पहले ये बातें नहीं कर पाता था, अभी अच्छे से बातें कर पा रहा है। क्या बात है, हालेलुया। डॉक्टरों ने कहा गर्भाशय में पिंड ही नहीं है, पुनरुत्थान शक्ति के द्वारा खाली गर्भाशय में यीशु ने एक पिंड को निर्माण किया। मेरी शादी होके 29 साल के बाद बेटा हुआ। 27 साल के बाद लड़का है लड़की? बेटा। वाओ, 27 इयर्स। हालेलुया। करुणा जी, बच्चे की आशीष पाई है, पहले एक बार गर्भपात हो चुका है, ये दूसरी बार गर्भवती है। 10 साल का सर्दी पूरा कम हुआ। सर्दी किसको था? मुझे पास्टर जी। 10 साल से सर्दी है क्या? हाँ जी। बाप रे बाप। प्रभु आपको आशीषित करे। रविवार की आराधना को आप आए, 2 चिन्ह चमत्कार हो चुके हैं। गॉड ब्लेस यू जी। आज नारायणा जी कहाँ पे है? आप ही है ना? हाँ जी। आपके बेटे को मिर्गी समस्या से छुटकारा मिला है और दिमाग में खून का थक्का भी था। बताइए, दिमाग में थक्का के कारण से मर गया था? दिमाग में थक्का के वजह से मर गया था। हाँ पास्टर जी। पास्टर जी, इसको हमने बहुत से अस्पतालों में दिखाया, जैसा कि CBR और गोकुल ट्रस्ट। कौन कौन से अस्पताल में? गोकुल ट्रस्ट जी। इसके अलावा CBR अस्पताल जो पुराना था उसमें भी गए, विजय रिलैक्स और बहुत से अस्पताल को घूमे, फिर भी कम नहीं हुआ। और इस कड़ी से हमें 2011 से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, तब से धीरे धीरे ये कम होते जा रहा था। पास्टर जी, मेरा बेटा वेंटिलेटर में था, पिछले साल भी गवाही बताया। उस वक्त यशोदा अस्पताल में वेंटिलेटर्स में था, पिछले शुक्रवार के दिन इसे उसी अस्पताल में गए। वो लोग जांच करने के बाद बताया कि इनका खून पूरा शुद्ध हो चुका है, सारे रिपोर्ट सामान्य आ करके बताए। क्या बात है, क्या बात है। कुछ चमत्कार धीरे धीरे होते हैं, कुछ कुछ चमत्कारों को परमेश्वर धीरे धीरे करता है, लेकिन विश्वास के कारण बहुत पहले वो पूरा हो चुका है। अगर आप विश्वास रखते हैं तो वो धीरे धीरे भी होता है। प्रभु आपको आशीषित करे। नारायणा जी आपको धन्यवाद। सचिवेनी जी तिरुमलगिरी से, इस बहन ने दूसरी बार बच्चे से आशीष पाई है। 7 हफ्ते की प्रार्थना में आई। कहाँ पे हो जी? दूसरी बार गर्भवती होने का इतनी देरी में क्या कारण है? ओ, आप ही हैं। आइए आइए, आप ही हैं ना, आप आइए, आप भी आइए पति के साथ। आप किस समस्या से गए हैं मैं जानता हूँ, आपकी गवाही बताइए। पिछले बुधवार के दिन पास्टर जी, हाई ब्लड शुगर की वजह से गर्भाशय से पानी निकल गया जी। मेरा हालत बहुत बिगड़ गया, तब अस्पताल गई थी, तुरंत मुझे ऑपरेशन कर दिया जी। बेटा हुआ जी 8वां महीने में। आपने भविष्यवाणी दिया जी बेटा होता करके, समय से पहले 8वां महीने में प्रसव हो गया जी। अब इंक्यूबेटर में रखा जी। बच्चा ठीक ही रहेगा, मानसिक अपाहिज नहीं होगा, मानसिक विकास रहेगा, वो ठीक ही रहेगा। डॉक्टर ने क्या कहा? क्या जी डॉक्टर ने बच्चे के बारे में क्या कहा? वे खतरे से बाहर है, निरीक्षण के लिए उसे रखा गया है पास्टर जी। हालेलुया। आपके पहले बच्चे को क्या समस्या है? क्या समस्या है आप बताइए? हाइपरएक्टिव की समस्या है। हाइपरएक्टिव जी। क्या है वो? हाइपरएक्टिव। हाइपरएक्टिव है ना, वो नियंत्रण में नहीं होता है ना। वो कहाँ पे है अभी? उसका देखभाल कौन करता है? यही पे जी, यही कहीं होगा। अभी उनका परिस्थिति बहुत बिगड़ अंधकार क्षण शोभमान भविष्य, उसका एक अच्छा भविष्य है, वो जरूर बाहर आएगा। उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और आपका बेटा भी है, बेटा हुआ ना, बहुत अच्छा, धन्यवाद। हाँ पास्टर जी। जवान भाई धन्यवाद। आपने 3 बार भविष्यवाणी करके कहा जी। 3 बार किया क्या? मेरी पटनम कलीसिया में आपने 2 बार प्रार्थना करके भविष्यवाणी की। क्या मैंने नबूवत किया? यहाँ पर बेटा होगा। 2 महीने पहले इस मंच में आपने बुलाकर कहा आपका बेटा होगा। आपका बेटा हुआ ना? मैंने नहीं कहा, यीशु ने कहा तो मैंने। बहुत समस्या हुई पास्टर जी,
दूसरा और तीसरा महीने में बहुत शैतान नहीं चाहता कि वो बच्चा आपको दे। आपके दूसरे बच्चे को भी पहले बच्चे जैसे बनाने के लिए, आपके सारे बच्चे ऐसे होने के लिए शैतान ने ऐसा प्रभाव आपको डाला है। अगर परमेश्वर ने आपको अच्छा भविष्य दिया है, I now bring greetings to all the viewers in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. और नासरी यीशु के नाम से सारे सुनने वाले दर्शकों को मैं अभिनंदन करता हूं। And we have been discussing about how the Lord has already deposited the power in us before we even face a single problem. और मैंने इस बात के ऊपर बताया कि किस तरह से परमेश्वर ने हमारे जीवन में सामर्थ्य को जमा किया है उस समस्या का सामना करने से पहले ही। He has already invested in us the solution before we face any kind of problem in our life. और समस्या का सामना करने से पहले ही उस परमेश्वर ने उसका परिणाम, उसका उत्तर को जो है हमारे जीवन में जमा किया है। We have seen how Jesus has rebuked the disciples of getting scared on the ship when there was a big tempest. और पिछले कड़ी में मैंने आपसे बताया था कि किस तरह से यीशु मसीह ने चेलों को डांटा जब वो लोग नाव के ऊपर जा रहे थे, समंदर में आंधी और तूफान आया था। Because they had the ability to stay calm and be fearless in that great tempest. और उस बड़ी आंधी तूफान में जो है उनके पास इतना सामर्थ्य था कि शांत रह सके, बलवंत हो सके, उसका सामना कर सके। In the same way, every believer has been deposited with an ability by the power of the Holy Ghost to solve every problem what they are facing now or what they will face in the future. और इसी प्रकार से जो है हर एक विश्वासी को जो है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर ने उनके जीवन में सामर्थ्य को जमा किया है ताकि जिस समस्या का वो लोग अभी सामना कर रहे उससे बाहर आए या आने वाले दिनों में जितने भी समस्याओं का सामना कर सके वो लोग जो है विजयवंत हो सके। द डेविल हैज बीन लाइंग टू यू एंड पुटिंग यू इन डिप्रेशन एंड इन वरी एंड टॉर्मेंट बाय मेकिंग यू थिंक दैट यू डोंट हैव द एबिलिटी टू सॉल्व हाउ टू सॉल्व इट एंड यू आर स्कैर्ड एंड टेराइज्ड। और शैतान जो है आपके मन में संदेह को लेकर आ रहा है, आपको भयभीत कर रहा है, आपको डरा रहा है कि इस समस्या को किस तरह से हम सुलझा सके, किस तरह से इस समस्या के ऊपर हम लोग जो है विजयवंत हो सके। एंड आई नो दैट दिस सीरीज विल डिलीवर यू बिकॉज बाइबल सेज माय पीपल आर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। और ये जो श्रृंखला है इसके द्वारा जो है परमेश्वर आपको छुटकारा देगा और बाइबल में लिखा है कि मेरी जो प्रजा है ज्ञान की कमी के कारण नाश हो रहे हैं। द वर्ड ऑफ गॉड हैज रिवील्ड अस that the God has already deposited in us every ability to solve every trial and tribulation in our life. और परमेश्वर के वचन ने हमें इस बात को बताया है कि किस तरह से परमेश्वर ने हमारे जीवन में सामर्थ्य को जमा किया है ताकि हर एक चुनौती समस्या का सामना करके हम बाहर आ सके। And if we go to Matthew chapter 16, आइए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय को खोलेंगे। In verse 6, Jesus warns them and tells them, Take heed and beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees. और यहाँ पे यीशु कह रहा है, यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदुकियों के खमीर से सावधान रहना। Verse 7. And they reasoned among themselves, saying, It is because we have taken no bread. और वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए, इसलिए वह ऐसा कहता है। Yes, they really have forgotten to take bread. और वो लोग जो है रोटी लेना वो लोग भूल गए, तो ये सही है। So they have no bread. उनके पास रोटी नहीं था। But Jesus was talking of a different situation. He's telling them to beware of the leaven of the Sadducees and Pharisees. लेकिन यीशु मसीह जो है किसी दूसरी बात को दृष्टिकोण में रखकर वो सदूसियों और फरीकियों से जो है खमीर के बारे में सावधान रहने के लिए बता रहा है। But they are thinking that Jesus is telling them the reason why they didn't bring the bread. लेकिन वो लोग जो है यीशु मसीह को जो है ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। चेले ने सोचा कि हमने रोटी नहीं लाया, इसलिए यीशु मसीह उनसे ये सब बातें बता रहा है। He was actually telling them that beware of the doctrines and teachings of the Sadducees and Pharisees because they want to twist the doctrine and they doesn't want you to depend on God. और यहाँ पे हम देखें तो यीशु मसीह वास्तविक रूप से ये बताना चाह रहा है कि फरीसियों और सदुकियों की जो सिद्धांत है वो लोग परमेश्वर से जो है अलग ही सिद्धांत जो है उन्हें यहाँ पे बता रहे थे। And he wants the disciples to get the doctrine straight from God and depend on God for it. और यीशु मसीह यहाँ पे चेलों को इस बात को बताने जा रहा है कि सिद्धांत को जो है परमेश्वर के पास से तुम प्राप्त करो और परमेश्वर के ऊपर तुम निर्भर रहो। बट They have been thinking about the bread, that because they forgot on bread, Jesus is telling about, you know, the situation.
लेकिन इन चेले जो है यीशु मसीह को यहाँ पे गलत समझ बैठे, क्योंकि वो लोग रोटी लाना भूल गए थे, इसीलिए जो है उस परिस्थिति में यीशु उनसे ऐसा कह रहा है। Now in verse 8, he says, when Jesus perceived, he said unto them, O you of little faith, why reason you among yourself because you have bought no bread? आठवें वचन में यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? And now he says in verse 9 and 10, do you not yet remember, neither remember the five loaves of the 5,000 and how many baskets you took up, neither the seven loaves of the 4,000 and how many baskets you took up? और नवे वचन में लिखा है कि क्या तुम अब तक नहीं समझे, क्या तुम्हें उन 5,000 की पांच रोटियां स्मरण नहीं, और न यह कि तुमने कितनी टोकरियां उठाई थी, और न उन 4,000 की सात रोटियां, और न यह कि तुमने कितने टोकरे उठाए थे। Now Jesus reminds them how in two different situations he multiplied few loaves of bread and fishes to many thousands of people। और यहाँ पे यीशु मसीह दो वास्तविक घटनाएं जो है उन्हें स्मरण दिला रहा है कि पांच रोटियों और दो मछलियों से जो है कितने हजार लोगों को जो है यीशु मसीह ने भोजन खिलाया। I did it twice। और यीशु ने कहा कि मैंने दो बार ऐसा किया है। You should never think that when I am there, you will never have insufficiency of food। और इस घटना को स्मरण दिलाकर यीशु मसीह कह रहा है कि आप कभी भी ऐसा मत सोचो कि जब मैं तुम्हारे संग रहता हूं तुम्हें जो है भोजन की घटी कभी नहीं रहेगी। इन द सेम वे इफ गॉड सॉल्व्स यू नो वन आर टू प्रॉब्लम्स इन आवर पास्ट, इसी प्रकार से जो है हमारे पहले के जीवन में अगर परमेश्वर दो या तीन समस्याओं का समाधान करता है, एंड इफ वी सी द सिचुएशन वन मोर टाइम नाउ वी फियर, अगर इसी तरह से अगर कोई अचानक से कोई समस्या आ जाती है तो हम लोग जो है भयभीत हो जाते हैं। God has already solved those problems in the past। लेकिन परमेश्वर ने हमारे पहले के जीवन में उन समस्याओं से हमें बाहर निकाला है। But why are we so scared of the same problem now? लेकिन वही समस्या अगर अभी आता है तो हम इतना भयभीत क्यों हो रहे हैं? Now Jesus is telling them, अभी यीशु why you don't remember them? और यीशु मसीह कह रहा है कि तुम्हें उन सारी बातें स्मरण क्यों नहीं आती है? Why you are not understanding them? और उन सारी बातों को तुम क्यों नहीं समझ पाते हो? There is a song which says, "Count your blessings, name them one by one." और एक अंग्रेजी में एक गाना है कि तुम्हारे आशीषों को तुम गिनो और हर एक आशीषों के नाम जो है तुम रखो। Sometimes you need to stay calm and, you know, remember how God has delivered you from your past problems. और कभी-कभी जो है हमें शांत रहना है और इस बात को स्मरण करना है कि हमारे पहले के जीवन में किस तरह से परमेश्वर ने हमें समस्याओं से बाहर लेके आया है। And that gives you faith to solve the problem now and to solve every other problems in your life। और वो जो बात है हमारे विश्वास को बढ़ाता है और उस समय अभी जो समस्या है उससे हमें बाहर लेके आता है और आने वाली समस्याओं से भी जो है हमें विजयवंत करता है। The Lord has healed you many times in the past। और पहले के जीवन में बहुत से बार यीशु ने आपको चंगाई दिया है। Now why are you scared about the current sickness? He will also heal you now। और वास्तविक में अभी जो बीमारी है उससे तुम क्यों भयभीत हो चुके हो? वो तुम्हें चंगाई देगा। The same God who has given us the ability to solve our past problems will also make us and help us to deliver the same ability to solve every problem। और हमारे पहले के जीवन में जितनी समस्याओं थे उस समस्याओं को सुलझाने के लिए जिस परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया था, कौशलता दिया था, बुद्धिमत्ता दिया था, वही परमेश्वर अभी जो समस्या है उससे बाहर आने के लिए भी जो है हमें सहायता करता है। So don't get scared of the current problem or for the future problem। और अभी जो समस्या है या भविष्य में जो समस्या आने वाली है उससे सुनकर तुम भयभीत मत हो। If you know that God has at least solved one problem in your past life, He can solve the rest of the thousand problems। अगर आप एक बड़ी घटना को याद करते कि परमेश्वर ने पहले के जीवन में आप जो है छुटकारा दिया है तो आने वाले दिनों में हजारों समस्या से वो तुम्हें बचाएगा। You have the ability to solve every problem। आपके पास इतनी सक्षम सामर्थ्य है कि हर एक समस्याओं को जो है तुम सुलझा सकते हो। Don't listen to the lies of the devil। आप जो है शैतान की झूठ को मत सुनिए। He will be telling that God has solved those two problems in the past, but he will not solve the current problem। और शैतान आपसे इस तरह से बताने की कोशिश करता है कि परमेश्वर केवल दो समस्या के आपके पहले के जीवन में सुलझाया है, इस समस्या को वो सुलझा नहीं सकता है। God's the same yesterday, today and tomorrow। और बाइबल कहता है कि परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक जैसा ही है। He has the same mercy। उसके पास वही दयाशील की भावना है।
Sometimes God will not come and solve, but He will remind you how He has solved the past problem so that you will have faith to solve the current problem. और कभी-कभी जो है जिस समस्या में आप हैं परमेश्वर वहाँ पे सहायता नहीं करता है, लेकिन वो आपको इस बात को ज्ञात दिलाता है कि आपके पहले की समस्या में किस तरह से परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया है ताकि आपके विश्वास को बढ़ सके. Let us see how John encourages the seven churches when he was writing the book of Revelation. जो है प्रकाशित वाक्य में जाएंगे और वहां पे यूहन्ना जो है उन सात कलीसियों को किस तरह से जो है वो प्रेरणा का स्रोत दे रहा है जब वो पत्मस द्वीप में था और इस किताब को लिख रहा था. He was talking to the church of Ephesus in chapter 2 verse 1. और जो है प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय पहले वचन में इफिसुस कलीसिया को जो है वो यहाँ पे एक पत्र लिख रहा है. And he tells them that you have some problems and you did not overcome this situation. और वो जो इन बातों को बता रहे कि तुम्हारे पास कुछ समस्याओं थे लेकिन उस समस्याओं से तुम बाहर नहीं निकले. And he tells them that how they have forgotten their first love. और वो यहाँ पे उनसे बताने की कोशिश कर रहा है कि उन्होंने किस तरह से अपना पहले से प्रेम को खो दिया है. And then finally in verse 7 he says that to him he that hath an ear let him hear what the spirit said unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the tree of life which is in the midst of the paradise of God. और प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय सातवां वचन में पढ़ रहा हूं, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है. जो जय पाए मैं उसे उस जीवन की पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा. Now he says to him that overcometh. और यहां पे कह रहा है कि जो जय पाए. He is asking the church to overcome so that he will reward the overcomer. इसका मतलब यहाँ पे कलीसिया से वो कह रहा है कि जो जय पाए उसको जो है वो प्रतिफल देने को तैयार है. What does it mean? इसका मतलब क्या है? He has already given the church the ability to overcome that situation. इसका मतलब कि परमेश्वर ने उस कलीसिया को जो है सामर्थ्य से भर दिया है कि उस परिस्थिति का सामना करके विजयवंत हो सके. You don't need to remain weak in that situation. उस परिस्थिति में तुम्हें कमजोर होने की जरूरत नहीं है. You don't need to remain ignorant in that situation. उस परिस्थिति में तुम्हें अनदेखी करने की जरूरत नहीं है. God has already given you the complete ability to overcome every weakness and be strong and faithful. परमेश्वर ने उस परिस्थिति का सामना करने के लिए आपको संपूर्ण रीति से जो है बुद्धिमता और सामर्थ्य को दिया है ताकि उसमें बलवंत हो सके और विजयवंत हो सके. When he is telling to him that overcometh, he is not asking, you know, you to do it according to your ability which you may fail, but he is telling you, I have already given you the ability to overcome it, so use it and overcome it. और यहाँ पे वो कह रहा है कि जो जय पाए उसका मतलब वो परमेश्वर कह रहा कि तेरी जो बुद्धिमता है तेरी जो सामर्थ है उसके अनुसार नहीं, परमेश्वर ने जो सामर्थ और बुद्धिमता और कौशलता को तेरे जीवन में जमा किया है उसके द्वारा जो है हमें उस समस्या का सामना करके विजयवंत होकर बाहर निकलना है. If you use your ability, you may fail as you have failed previously. अगर आप जो है आपकी बुद्धि का उपयोग करते हैं आपकी सामर्थ का उपयोग करते हैं तो आप असफल हो जाते हैं. But now you know Jesus. You have his ability to overcome that problem. और अभी जो है आप यीशु को जानते हैं और यीशु मसीह की सामर्थ्य और कौशलता जो है तुम्हारे जीवन में है और तुम जो है उसमें विजयवंत हो सकते हो. Look at how good our God is. और देखिए हमारा परमेश्वर कितना अच्छा है. He has already given us the ability and he wants us to use the ability and then he will reward us again for using the ability which he has already given us. और उस परमेश्वर ने हमारे जीवन में बुद्धिमता और सामर्थ्य को दिया है ताकि जो है हम उस समस्याओं का सामना करके उसमें विजयवंत हो सके और विजयवंत होने के बाद वो हमें प्रतिफल भी देने को तैयार है. He gives the ability to overcome us, overcome that problem, and he also rewards us for overcoming that with his own with the ability that he has given us. और वो जो है हमें सामर्थ्य देता है कि हम समस्याओं का सामना करके विजय पा सके और विजय पाने के बाद वो हमें प्रतिफल या इनाम भी जो है हमें देने को तैयार है. He's a good God. वो हमारा परमेश्वर अच्छा है. Many of us think that he didn't give the ability and I need to do it, I may not do it, and they are scared to come to God. और बहुत से लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि परमेश्वर ने मुझे कोई भी सामर्थ्य नहीं दिया है और उस परिस्थिति का सामना नहीं कर सकता हूँ और वो लोग डर के रह जाते हैं. People think that only some will overcome, some saints will overcome, and some saints will not overcome. और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि कुछ भक्त जो लोग हैं, वो लोग विजय पा सकते हैं और कुछ लोग विजय नहीं पा सकते हैं. Some pastors are blessed and some evangelists are blessed and some are not blessed. और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि कुछ पासवान लोग जो है आशीषित हुए हैं, कुछ स्वार्थी लोग आशीषित नहीं हुए हैं. Some people think that some church members only are blessed and some are
are not blessed. और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि कलीसिया के कुछ लोग ही आशीषित हुए हैं और कुछ लोग आशीषित नहीं हुए हैं. God has given the same measure of faith and the same measure of ability to every believer. परमेश्वर ने हर एक को जो है नापकर विश्वास दिया है और नापकर जो है सामर्थ्य उनके जीवन में दिया है. God is not a partial God. परमेश्वर पक्षपात कभी नहीं करता है. He gives everything at equal, you know, with at equal proportion, you know, to all his children. और परमेश्वर अपनी संतान को जो है हर एक को एक समान जो है आशीषों से वो भर देता है. The devil has lied to you that he has not given you that ability. और शैतान जो है आपसे झूठ बोल रहा है कि परमेश्वर ने वो सामर्थ्य वो कौशलता आप में नहीं दिया है. That's why the Bible says we have to bring the thoughts to, you know, into captivity of Jesus Christ. इसलिए जो है बाइबल कहती है कि परमेश्वर का उन विचारों को हमारे मन में लेके आना है ताकि उस बंधन को हम तोड़ सके. The same way he writes to all the seven churches about the weaknesses that they have and he also tells them to overcome, you know, and I will reward you. और यहाँ पे उन सात कलीसियाओं को अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो वो यहाँ पे लिखा है कि उनकी गलतियों को यहाँ पे लिखता है और वो कह रहा है कि मैं तुम्हें सामर्थ्य दिया हूं ताकि उन गलतियों को उन कमजोरियों में से तुम विजयवंत हो सके. In chapter 2 verse 17 he tells to the church of, you know, Pergamos, you know, to overcome, then he will give it the hidden manna in verse 17. और प्रकाशित वाक्य के दूसरा अध्याय 17 वचन में वो पिर्गमुन कलीसिया को वो कहता है कि तू जय पा तो मैं जो है तुझे गुप्त मन्ना में से तुझे दूंगा. And in verse 10 he tells to the church of Smyrna that be thou faithful unto death and I will give thee the crown of life. और दूसरा अध्याय 10वें वचन में स्मुन्ना की कलीसिया में वो कहता है कि प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा. That means God has deposited in us the ability to be faithful. इसका मतलब कि परमेश्वर ने इतना सामर्थ्य हमें दिया है ताकि हम विश्वास योग्य रह सके उसके समक्ष. God will not demand anything from us without giving us the ability to do it. और परमेश्वर जो है हमसे कोई भी अपेक्षा नहीं करता है जब तक वो हमारे जीवन में जमा नहीं करता है. He is a just God. वो जो है न्यायी परमेश्वर है. If he didn't give us anything and if he demand from us, he would be an unjust God. अगर वो हमें कुछ देता नहीं है, अगर वो हमसे बहुत कुछ चाहता है, अपेक्षा करता है, तो वो जो है न्यायी परमेश्वर नहीं हो सकता. The same way he tells to the church of Thyatira, you know, to overcome, and he will give that church the power of nations. और थुआतीरा कलीसिया को वो कह रहा है कि तू जय पा, मैं तुझे जो है देशों के ऊपर न्याय करने का अधिकार को दूंगा. And to the church of Sardis in chapter 3, verse 5, he says, if you overcome, I will give you the white raiment. और प्रकाशित वाक्य के तीसरा अध्याय 5वें वचन में सार्दिस कलीसिया को वो कह रहा है कि तू जय पाए तो मैं तुझे श्वेत वस्त्र पहनाए दूंगा. And many other promises to the church of Philadelphia and to the church of Laodicea. और फिलाडेल्फिया कलीसिया के लिए और लौदीकिया कलीसिया के लिए जो है और भी कुछ प्रतिज्ञाएं वहां पे है. And in Laodicea church he says that him that overcometh I will make him sit by the side of, you know, near his throne. और लौदीकिया कलीसिया के लिए वो कह रहा है तीसरा अध्याय 21वें वचन में जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा. Wow, that means he has given us the ability to do all these things. कितना अच्छा है. इसका मतलब कि परमेश्वर ने हमें इतना सामर्थ्य दिया है कि ये सारी बातें हम कर सके. Let's not believe in our ability but in the ability of God that we all will be able to solve and overcome every dark situation in our life. और इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारी सामर्थ्य के ऊपर निर्भर न रहे लेकिन यीशु मसीह की सामर्थ्य के ऊपर निर्भर रहकर हर एक अंधकार में शक्ति के ऊपर विजय हम पा सकते हैं. You will be able to overcome every sickness, every weakness, every sin and every problem in your life. और आपके जीवन में आप जो है बीमारी के ऊपर, पाप के ऊपर, अंधकार में शक्तियों के ऊपर, हर एक समस्या के ऊपर आप विजय पा सकते हैं. Father, in the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, I pray that what power that you have deposited in every believer, let them use it to overcome every trouble they are facing today. और जो सामर्थ्य आपने हर एक विश्वासी के जीवन में जमा करके रखा है, वो लोग हर एक परिस्थिति का सामना करके बाहर आ सके, उन्हें सहायता कीजिए. You have empowered every believer with enough strength to overcome that problem.
आपने हर एक विश्वासी को इतना सामर्थ्य और शक्ति से भर दिया है कि हर एक बीमारी और चुनौतियों का सामना कर सके. Let a testimony come out of every problem. और हर एक समस्या से जो है एक गवाहियां बाहर निकल सके. Let them know that you already deposited your ability in them. और वो लोग ये जान सके कि आपने अपना अधिकार और सामर्थ्य को उनके जीवन में रखा है. In Jesus' mighty name. यीशु के नाम से प्रार्थना करते Amen. हैं. आमीन. लक्ष्मी जी, मेरे पति ने 15 साल पहले घर छोड़कर चला गया, अभी वापस आ गया 15 साल के बाद. क्या बात है, क्या बात है. 15 साल के बाद 20 साल की शराब की आदत छोड़ दिया 15 साल के बाद आया. 1-2 साल होने के बाद आशा छोड़ देते हैं, यह परमेश्वर ही कर सकता है. 15 साल के बाद आया, नहीं आएगा करके सोचे क्या? हाँ जी, नहीं आते करके. ठीक है, राजू नाम का हमारा पड़ोसी है पास्टर जी, उन्होंने कहा कि इस कलीसिया में आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा. यहाँ पे आने पर सब कुछ ठीक होगा करके? हाँ जी. 15 साल के बाद भी वो आएगा करके आपने विश्वास किया क्या? हाँ जी, मुझे यहाँ आने के बाद विश्वास आया. मेरे पति आया मगर हमारे पास नहीं आया जी. पहले मेरे बहन के घर में रह रहा था, तो फिर मैंने अपनी बहन से कहा कि मैं प्रार्थना तेल दूंगी, अगर वो इस्तेमाल करे तो वो शराब का लत छूट जाएगा उसको. प्रार्थना तेल लिया लेकिन नहीं पिया, फिर भी अगले दिन शराब का आदत छोड़ दिया. हालेलुया, छूने से ही उन्होंने आदत छोड़ दिया. नहीं पिया जी. मेरे बच्चों के साथ मेरा पूरा परिवार मिलके रहना करके मैंने प्रार्थना किया जी. मैं बहुत रोते हुए प्रार्थना करती थी. आइए ताली बजा कर यीशु की महिमा करें. 15 साल के बाद इनका पति वापस आया. रविवार हमारी आराधना और चंगाई प्रार्थना, हमारी पहली तेलुगु आराधना क्रिस्टल गार्डन्स मेहदीपट्टनम में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक. हमारा पता है क्रिस्टल गार्डन्स, PVNR फ्लाईओवर, पिल्लर नंबर 86, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद. हमारी दूसरी तेलुगु आराधना VBR गार्डन्स अलवाल में शाम 5 बजे से 7 बजे तक. हमारा पता है VBR गार्डन्स, इंदिरा गांधी मूर्ति के पास, ओल्ड अलवाल, सिकंदराबाद. आपकी प्रार्थना विनती के लिए हमें संपर्क करें. हमारे नंबर 09701990006, 09701990007, 09701990098. अधिक जानकारी के लिए 0404748484. हमारा वेबसाइट www.jcnm.org.